स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर फिफ्थ करेंगे 6.1 का। क्वेश्चन नंबर फोर तक हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। फिगर की जैसा यहाँ पे बनाया हुआ है, इसके अंदर पी क्यू एक लाइन है जिसके ओ वर्टेक्स के ऊपर ओ आर परपेंडिकुलर है, यही हमारे पास गिवन है। इसके अलावा एक दूसरी रे है ओ एस, किस एंगल के बीच में, आर ओ पी एंगल के बीच। टू प्रूफ के अंदर है एंगल आर ओ एस, आर ओ एस यहाँ पे जो ये एंगल है, ये एंगल हाफ होगा क्यू ओ एस। क्यू ओ एस का मतलब यहाँ पे जो पूरा एंगल है क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। यहाँ पे जो ये एंगल है पी ओ एस, ये अगर हम माइनस करते हैं क्यू ओ एस में से, तो उसका हाफ होगा आर ओ एस। ये बाद में प्रूफ करनी है। तो ये आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर हमने टू प्रूफ लिखा है तो आंसर स्टार्ट करने से पहले भी यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ। टू फाइंड लिखा होता था, यहाँ पे लिखते हैं इसके अंदर सॉल्यूशन। तो प्रूफ के अंदर आर ओ एस को निकालेंगे पहले। अगर हम यहाँ पे देखें आर ओ पी, हमारे पास जो गिवन है उससे हमें पता लगता है कि यहाँ पे आर ओ क्यू भी 90 का है, आर ओ पी भी 90 का है। एंगल आर ओ पी इज इक्वल टू 90। रीजन क्या लिखेंगे, ओ आर परपेंडिकुलर है इसके अंदर पी क्यू, ओ आर परपेंडिकुलर है पी क्यू पे, इससे पता लगता है कि यहाँ पे भी 90 का है और दूसरी तरफ भी 90 का है। और जो आर ओ पी एंगल है, आर ओ पी एंगल किस किस एंगल को मिलकर बनता है, पी ओ एस प्लस में एस ओ आर इज इक्वल टू 90। यहां से आर ओ एस की वजह निकालें, एस ओ आर या आर ओ एस दोनों एक ही बात है, कंफ्यूजन ना हो इसलिए साथ इसको आर ओ एस ही लिख ले। बीच वाला वर्टेक्स चेंज करने से अगर फर्क पड़ता है, साइड वालों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आर ओ एस की जो वैल्यू है वो निकल जाएगी 90 माइनस पी ओ एस, और इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब जो दूसरी साइड जो एंगल है, एंगल आर ओ क्यू, वो भी 90 डिग्री का है। 90 डिग्री का रीजन क्या होगा, उसके अंदर भी ओ आर परपेंडिकुलर है हमारे पास पी क्यू के, यहां पर ये भी परपेंडिकुलर है। उस 90 डिग्री के अंदर आर ओ एस का क्या यूज कर सकते हैं हम, यहां से देखना इसके अंदर फिगर के अंदर क्यू ओ एस माइनस आर ओ एस, जो एंगल होगा क्यू ओ एस में से आर ओ एस माइनस कर देंगे तो कौन सा एंगल बचेगा यहां पे 90 डिग्री वाला। ये जो माइनस करने के बाद जो बचता है वो भी क्या होगा इसमें, इज इक्वल टू 90। यहां से फिर से आर ओ एस की वजह निकालें, आर ओ एस लेफ्ट साइड में नेगेटिव है तो राइट साइड में जाने के बाद पॉजिटिव हो जाएगा, और जो 90 है वो लेफ्ट साइड में आने के बाद ये भी नेगेटिव हो जाएगा। इसको मान लेंगे इक्वेशन सेकंड। दोनों इक्वेशंस को उसके बाद ऐड करेंगे बाय एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। दोनों को ऐड करते टाइम जो आर ओ एस है इसको सेकंड इक्वेशन को चाहो तो आप इसको भी लेफ्ट साइड में ले आते हैं, दोनों की साइड चेंज कर लेते हैं क्यू ओ एस माइनस 90, इसको सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। आपको लिखने में आसानी होगी आर ओ एस और आर ओ एस, तो कितना हो जाएगा डबल ऑफ आर ओ एस। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इंटरचेंज करने से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर साइन चेंज भी करते हैं, अगर आपके दिमाग में आए कि यहाँ पे साइन नेगेटिव क्यों नहीं आया, फिर उनका भी साइन चेंज होगा, साइन चेंज होगा तो कॉमन लेके कैंसिल करने के बाद वापिस वही आ सकता है। इसलिए अगर लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड को इंटरचेंज करेंगे तब साइन में कोई चेंज नहीं होता। तो टू आर ओ एस, और इसके अलावा इक्वेशन फर्स्ट में है 90 माइनस पी ओ एस प्लस में क्यू ओ एस माइनस 90। 90 से यहां पर 90 कैंसिल हो जाएगा, डबल ऑफ आर ओ एस इज इक्वल टू जो पॉजिटिव है उसको पहले लिख लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे एक ही स्टेप करना रहता है आर ओ एस के साथ, टू यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो राइट साइड में जाने के बाद डिवाइड में हो जाएगा।
यही हमें प्रूव करना था। साथ में मॉड्यूल कंप्लीट रखेंगे इसके अंदर। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन रहता है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 6। इसके स्टेटमेंट के अंदर फिगर गिवन नहीं है, मैं इसके स्टेटमेंट रीड करके बताता हूं एक बार उसमें क्या फिगर बनेगा। इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64। एंगल एक्स वाई जेड हमारे पास 64 गिवन है। एक्स वाई प्रोड्यूस करी गई है, एक बार स्टेटमेंट बुक अवेलेबल नहीं होगा, हम कॉपी में नोट कर रहे थे। इसके अंदर आप देख भी सकते थे सिक्स्थ क्वेश्चन के अंदर, इट इज गिवन दैट एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू ए पॉइंट पी। तो एक्स वाई प्रोड्यूस करी हुई है, सबसे पहले एंगल बना लेते हैं एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड। फिर इस एक्स वाई को प्रोड्यूस किया गया है वाई पॉइंट तक, सॉरी पी पॉइंट तक। ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ रे वाई क्यू, तो यहाँ पे वाई क्यू अगर आप देख पा रहे हैं इसमें कॉपी में से, तो वाई क्यू जो आपके पास बुक होगी, बुक में स्टेटमेंट फिल करने, वाई क्यू जो है वाई से जो एक रे निकलेगी वो बाइसेक्ट करता है जेड वाई पी। बाइसेक्ट करने का मतलब है ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। फाइंड द एंगल, गिवन हमारे पास क्या हो गया इसके अंदर, एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64। बाइसेक्ट करने का मतलब है एंगल जेड वाई क्यू, इसको एंगल वन मान लेते हैं, इसको टू, ब्रैकेट में एंगल वन लिखे, क्यू वाई पी एंगल टू, ये आपस में इक्वल है। अब जो टू फाइंड है, टू फाइंड है एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है इसके अंदर दोबारा से देखें एक बार फिगर क्या बनेगी। एक्स वाई जेड कोई एंगल है 64 डिग्री का, वन और टू एंगल आपस में इक्वल है। एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू हमें बताना है, एक्स वाई क्यू जो एंगल वन और ऐड करेंगे 64 के अंदर तो वो बताना है, और जो हमारे पास बनेगा क्यू वाई पी, क्यू वाई पी का हमें रिफ्लेक्स एंगल निकालना है। सॉल्यूशन के अंदर तीनों ही एंगल्स का जो हमारे पास यहाँ पे तीनों ही एंगल बनेंगे उनका सम कितना होगा, एक लिनियर पेयर बनाते हैं 180। एंगल वन एंगल टू प्लस 64 जो एंगल है वो हो जाएगा 180 लिनियर पेयर। अब एंगल वन एंगल टू के इक्वल गिवन है, सो एंगल वन प्लस एंगल वन प्लस 64 इज इक्वल टू 180। टू एंगल वन डबल ऑफ एंगल वन प्लस 64 इज इक्वल टू 180। 64 यहां पे लेफ्ट साइड में प्लस का है और राइट साइड में जाने के बाद नेगेटिव हो जाएगा। डबल ऑफ एंगल वन इज इक्वल टू माइनस करेंगे 60 माइनस करने के बाद 120, 4 माइनस करेंगे तो 116। एंगल वन की वैल्यू आ जाएगी 2 से डिवाइड करने के बाद 58। तो यहां पे हमारे पास इसके अंदर हो गया 58। 58 ये वाला एंगल है, सो जो एंगल एक्स वाई क्यू होगा, एक्स वाई क्यू जो एंगल है वो 64 प्लस एंगल वन के इक्वल है। 64 प्लस 58, 64 प्लस 58, पहले 60 में 50 ऐड करेंगे 110 और 12 ऐड करने के बाद 122, ये डिग्री हो गया। फिर हमें निकालना है रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स निकालने के लिए आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि 360 में से माइनस करते हैं, तो क्यू वाई पी हमारे पास 58 है और इसका रिफ्लेक्स बन जाएगा 360 माइनस 58 302 डिग्री। सर कई बार रिवाइज कर सकते हैं इसमें, कॉपी में जरूर कंप्लीट कर लें, कोई प्रॉब्लम है तो इसमें कमेंट या मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप।